हे गाइस, देखो 10 रुपये के शेयर में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और ऊपर से बहुत बड़ा मतलब अच्छा खबर भी आया है। कंपनी का नाम है जेपी एसोसिएट लिमिटेड। इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा यहाँ पर, और 9 से 10% तक की यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तेज़ी भी आपको देखने को मिल रही है। और रीज़न क्या है तेज़ी देखने को मिली, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, होता है मार्केट में इतनी तेज़ी तो देखने को मिलती है। लेकिन ये देख रहे हो ना, ये लाइन, ये अपर सर्किट बता रहे हैं हमें कि भाई यहाँ पर जो डील हुआ है मतलब बहुत बड़ा डील हुआ है और सब लोगों को यहाँ पर मौका भी नहीं मिला। यहाँ पर कुछ तो बड़ा हुआ है जिसके कारण सर्किट लगाया और ऊपर से 10% का सर्किट, अगर यही सर्किट 10 दिन कंटिन्यू हो गया तो समझो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी। पिछले 5 दिनों में देखोगे स्टॉक नॉर्मल बिहेव कर रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नॉर्मल था, कोई भी खरीद सकता था, कोई भी बेच सकता था। लेकिन अचानक से कुछ बड़ी खबर आ चुकी है यहाँ पर और नीचे में आपको देखने को मिलने वाला है। ये देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा, दालमिया ने यहाँ पर बोला है कि भाई 5,666 करोड़ में जेपी ग्रुप का जो सीमेंट असेट है ना, हम इसको ख़रीदना चाहते हैं। याद रखिएगा ध्यान से, इन्होंने क्या ख़रीदने के लिए बोला है, सीमेंट असेट्स को ख़रीदने के लिए बोला गया है। देख लीजिए 5,666 करोड़ में, ठीक है। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी डील हम बोल सकते हैं, जिसके कारण जो है स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। हर जगह यही खबर फैली हुई है, देख सकते हैं सेम खबर, यहाँ पर आपको हिंदी में बताया जा रहा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो असेट को ख़रीदेगी तो भाई ऑफकोर्स कंपनी को फ़ायदा होगा, और जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। कंपनी के साथ जैसे येस बैंक में एक डील हुआ है, तो डील होने के कारण उस शेयर का प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है, सेम तो इस कंपनी के साथ भी डील होगा तो इसका शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। और NSE BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाकर देखोगे तो सभी लोगों ने मतलब भारी क्वांटिटी उठाई है सभी लोगों ने, लेकिन किसी ने बेचने की कोशिश नहीं किया। तो क्या होता है कि रिपोर्ट के हिसाब से कुछ लोगों को ये खबर बहुत पहले पता लग जाता है, तो वो लोग सुबह होते ही अपना ऑर्डर पहले लगा देते हैं, और जब अपना ऑर्डर पहले लगाते हैं तो बहुत हेवी क्वांटिटी में लगाते हैं, बहुत हेवी मात्रा में लगाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जनरल मतलब आम पब्लिक को नहीं मिल पाता, और मार्केट बंद होते होते जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई 52% तक का जो डिलीवरी उठाया गया है, हालांकि जब मार्केट ओपन था और जब सब लोग खरीद रहे थे बेच रहे थे तब वहाँ पर देखोगे तो 80% से भी ज़्यादा जो है डिलीवरी उठाया जा रहा था। जब तक खबर का इम्पैक्ट रहेगा स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम जयप्रकाश में बात करते हैं यहाँ पर, तो रेवेन्यू बताया जा रहा कहाँ कहाँ से पैसा आता है, फर्टिलाइज़र से, कंस्ट्रक्शन से, सीमेंट से, रियल स्टेट से, होटल एंड हॉस्पिटलिटी से। तो यहाँ पर बात की जा रही है सीमेंट सेक्टर के ऊपर, सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इनके पास और भी सेक्टर है, तो एक सेक्टर अगर मान लेते हैं कि काफ़ी निकल भी जाता है तो इनके पास और जो सेक्टर है उनको और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल जाएगी। एक तरीके से उनके पास बोल सकते हैं कि मोटा कैपिटल मिल जाएगा, मोटा पैसा मिल जाएगा, कंपनी और आगे बढ़ेगी। तो ये है इसके लिए एक अच्छी खबर, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से स्टॉक्स में आप देखिएगा कि और अगर कोई अच्छी खबर आएगी तो इसके वजह से भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जब प्रमोटर्स के पास पैसा आएगा तो हो सकता है कि उनका जो प्लेस शेयर है उनको हटा सकते हैं, मतलब निकाल लेंगे। जो कंपनी के पास जो डेट वगैरह है उनको भी हो सकता है कंपनी क्लियर करने की कोशिश करेगी, तो कंपनी एक तरीके से थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगी फंडामेंटली।